मोशा लुकमान साहब, पीटीआई की गवर्नमेंट पर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि जो वादे की गई वो एक रास्ता है ना, वो रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस हुकूमत के साथ जो बुनियादी चीज जुड़ी थी वो थी रिफॉर्म्स। ये हुकूमत आएगी, इदारे ठीक होंगे, पुलिस ठीक होगी, पटवारखाना, इंसाफ मिलेगा, वो उस रास्ते पे चलना शुरू ही नहीं किया इस हुकूमत ने अब तक, इस वजह से सबसे बड़ी तंकीद। अच्छा काशी साहब, मुझे भी एक एडवांटेज है, एक तो यह कि आज सारे के सारे मेरे दोस्त हैं इस शो में अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरा मैं ये कह सकता हूं कि मैं सबसे उम्र में बड़ा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा मेरी हमारे बुजुर्ग हैं आप, बात सुननी पड़ेगी। मैं आपका बुजुर्ग हूं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हुकूमत से तो चले बहुत से काम नहीं हो रहे, खोते का गोश्त तो हुकूमत नहीं दे रही, घी में मिलावट तो हुकूमत नहीं कर रही, दवाइयों में मिलावट तो हुकूमत नहीं कर रही है, ठीक है। हम जितने, लेकिन लुकमान साहब सवाल यह है कि क्या ये चीजें खत्म हो गई? मैं सॉरी सर, मेरी एक अर्ज सुन ले, मेरी एक अर्ज सुन ले, जितना हम मुनाफा खोर और बद किरदार कौम हो चुके हैं, हम हुकूमत से एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हैं? आप अपने मीडिया के ऊपर आ जाए यार, आपके मीडिया में इतने एथिक्स की वॉयलेशन हो रही है, मैं कर रहा हूं, मैं खुद कर रहा हूं, आप अपना, मैं किसी और का नाम नहीं ले रहा, तो मेरा सबको पता है काशिफ, अपना मेरा मतलब है हम ठीक नहीं होना चाहते और हम चाहते हैं हुकूमत ठीक हो जाए। लेकिन हमें ठीक करना भी हुकूमत का काम है ना लुकमान साहब, प्रॉब्लम ये है जो आप गधे के गोश्त की बात मैं कर ये मानता हूं, अब एक चैलेंज की बात करें, अदालत में 20 सेकंड, ये हुकूमत ने करना ना, आई टेक 20 सेकंड्स जी, मैं आपको बताता हूं, आई टेक 20 सेकंड्स, वो ये है कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा नहीं चल सकता, क्योंकि इतनी रंग नस्ल सुबाइयत और उर्दू स्पीकिंग पंजाबी और पठान और बलोच और ये वो, अब यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल सकता है, उसमें पठान पंजाबी नहीं रहेगा, बस लाकर हमने नहीं, उसमें आप चूज एक आदमी को कर रहे हैं ना, जब आप कर लेंगे तो उसके बाद टेक्नोक्रेट्स ही वो चूज करेगा ना, उसको वो ये नहीं होगा कि एमक्यूएम से ही लेके किसी को आईटी का वजीर बनाना है, को वहां फलां को लेके पोर्ट्स एंड शिपिंग का वजीर बनाना है, वो उन्हीं को लेगा जो काबिल होंगे, जो अमेरिका में हो रहा है वो अभी जमहूरियत है, लेकिन आप बाइडन में भी और यूरोप में जमहूरियत चल रही है, ये हमारा कुछ खसूसी निजाम है, मैं बर्तानिया का तो कॉन्स्टिट्यूशन भी अनरिटन है भाईजान, आपका तो लिखा हुआ पर्चा जाएगा, मैं मेरे पास इतनी लिस्ट पड़ी है सब, पिछले 4 साल में कोर्टों ने जितने लोगों को कन्विक्ट किया है, सब फैसले कितनों पे दे दिए यार, फैसला नहीं आया।